रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में है। एक बार की बात है, रिया स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काम होने के वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अलीगढ़ के लिए सुबह निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों ने गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था, सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था, वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा सुनसान था, वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा।